अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ये क्या बदतमीजी है रोहित, ये झूठी झूठी मनगढ़ंत कहानियां क्यों सुनाई तुमने विजय को? सॉरी दादी, लेकिन मुझे धोखेबाज कहने वाले ये लोग ना दरअसल खुद धोखेबाज हैं और चोर भी। हे भगवान, कैंची से भी तेज इस लड़की की जुबान चल रही है। ए, तुम लोगों को तो हमारे पैर धो के पीना चाहिए। खानदान का पता नहीं है, गोद ली हुई लड़की है, खून अच्छा है कि खराब है ये जाने बगैर रिश्ते के लिए हाँ कर दी, और आपकी लड़की है हमारी बेइज्जती की जा रही है। रोही बेटा, ये क्या तरीका है बात करने का? आई एम सॉरी दादू, पर मैं गलत नहीं बोल रही। रुकिए, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। अपना पर्स दिखाइए। क्यों दिखाऊं पर्स? एक तो आपकी बेटी हमारे इज्जत के ऊपर लांछन लगा रही है और ऊपर से जबरदस्ती कर रही है। क्या जबरदस्ती है ये? क्यों दिखाऊं पर्स? अब यही तरीका है पता करने का कि वो आंटी सच में चोर है या नहीं। बहन जी, वो तस्वीर किसकी है? बहुत अच्छी है। आपकी बेटे और बहू की है क्या? चोर हैं ये लोग। जब इन्होंने बाथरूम से मेरी अंगूठी चुराई थी ना, तभी मुझे शक हुआ था और इसलिए मैंने जानबूझकर यहां पायल छोड़ी थी। इनका कोई टैक्सी का कारोबार नहीं है, बल्कि इनका बेटा तो खुद एक टैक्सी ड्राइवर है और उन्होंने खुद मुझे ये बात बताई है। मुझे प्रॉब्लम इस बात से नहीं है कि इनका बेटा टैक्सी ड्राइवर है, पर इस बात से प्रॉब्लम है कि इन्होंने हमसे झूठ बोला, हमें धोखा दिया, हमारे घर में चोरी की। ये लोग ये रिश्ता सिर्फ दहेज के लिए कर रहे हैं, इन्हें शादी में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये तो गलत है ना दादू? हाँ बेटा, बिल्कुल गलत है। आप एक लड़की के परिवार को इस तरह से धोखा कैसे दे सकते? अरे, लड़की वाले अपनी बच्ची को बड़े नाजों से पालते हैं और बड़े अरमानों से उसका हाथ आपके हाथ में सौंपते हैं कि ताकि उसकी जिंदगी संवर जाए, और आप लोग चंद पैसों की लालच में इनके साथ इतना बड़ा धोखा करते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। हाँ, हमने गलती की है, लेकिन आपकी इस लड़की को बिना दहेज का कौन ब्याएगा? हाँ, शक्ल देखिए इसकी, शक्ल है ना सूरत है, और ऊपर से गोल ली हुई है और चर्च चला ऊपर से। बदतमीज लड़की कहीं की। चले, चल बाबू, चल भी दे। अरे बदतमीज लो। लेकिन दादी, वो लोग सही नहीं थे। क्या गलत थे? क्या गलत थे वो लोग? अरे, अपने बेटे का रिश्ता करवाना था, दो चार झूठ बोल भी दिए तो कौन सी आफत आ गई? जिस रिश्ते की नींव ही झूठ पर रखी जा रही हो, वो रिश्ता आगे जाकर सफल कैसे होता दादी? और वो लोग धोखेबाज और लालची थे। बिल्कुल सही कह रही हो तुम। अरे, ऐसे चोर और धोखेबाज खानदान में अगर हमारी बेटी की शादी होती तो कितनी बदनामी होती हमारी। बदनामी? कौन से बदनामी की बात कर रहे हैं प्रतीक के पापा?
वो तो सालों पहले इस घर में आ गई थी, इस लड़की के मनहूस कदम जब इस घर में पड़े थे। हर घर की बेटियां लक्ष्मी होती हैं, लेकिन ये महारानी तो घर में कदम रखते ही एक एक करके सबको खा गई। पहले मेरी बड़ी बहू, फिर मेरा बेटा, फिर अपनी माँ को, इस घर के जमीन जायदाद पैसे, यहाँ तक कि गोयल मैंशन सब कुछ खा गई। कुछ नहीं बख्शा इसने। बस करिए दादी, बस कीजिए, से कम आज के दिन तो मत कहिए ना ये सब। आज हम दोनों का बर्थडे है। तुम्हारा जन्मदिन है जूही, ये तो पता नहीं कहां से पैदा हो गई। और जन्मदिन सिर्फ अपनों का मनाया जाता है, उठाए गिरे बच्चों का नहीं। बस कीजिए पूनम आप, बस कीजिए। क्यों क्यों बस करूं मैं प्रतीक के पापा? गलत कहा क्या कुछ मैंने? पता नहीं इस लड़की को रुचिता कहां से उठा कर ले आई, ले आ करके बिहार के मत्थे डाल दिया। दोनों तो चले गए और इसे हमारे गले बांध दिया। ढूंढ रहा हूं बोझ। पूनम अब आपने अगर एक शब्द भी और बोला। दादू प्लीज रहने दीजिए, आप शांत हो जाए। आपको लगता है कि इस लड़की का ब्याह किसी बड़े कारोबारी के घर में हो जाएगा? अरे इस लड़की को अगर कोई सड़क का भिखारी भी ब्याह लेना तो कभी मत समझो। बच्चे जब पैदा होते हैं तो माए केसर मिलाकर दूध में पीती हैं ताकि बच्चों का रंग गोरा हो, और इसकी माँ ने तो मुझे लगता है जामुन खा खा कर पैदा किया है इसे। ऐसी शक्ल है इस लड़की की। बस कीजिए भगवान के लिए, बस कीजिए आप। पति पापा मैं कह रही हूँ आपसे, इस लड़की का चेहरा सिर्फ और सिर्फ घर के बाहर नजर बट्टू बनने के लायक है, किसी घर की शोभा नहीं। बस कीजिए दादी, आप क्यों इतनी नफरत करती है मुझसे? इतनी कड़वी बातें क्यों? मैंने हमेशा आपको प्यार और इज्जत के सिवा कुछ नहीं दिया, फिर आपके मन में मेरे लिए इतनी कड़वाहट क्यों है? मैं ऐसा क्या करूं दादी जिससे आपको खुशी हो, आपके दिल को तसल्ली मिले? मेरी खुशी और तसल्ली चाहिए ना तुम्हें तो हमारी छाती पर ऐसे बैठ कर मूंग दलना बंद करो। मानो निहार और रुचिता ने तुम्हें छाती से लगा कर रखा होगा, लेकिन मैं सुबह शाम बस यही दुआ करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ भगवान से, ये कि तुम मेरी नजरों के सामने, मेरे घर का, मेरे जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर। सारा दर्द सारा गुस्सा इन पेंटिंग्स पर निकाल देती है ना तू? तो फिर पलट कर जवाब क्यों नहीं देती है तू दादी को? क्या जवाब दूं? उन्होंने कुछ गलत भी तो नहीं बोला? नहीं है मेरे खानदान का अता पता, हूं मैं उठाई गिरी लड़की। मम्मी उठाकर ही तो लाई थी ना मुझे। ये मम्मी पापा की तरफ से और ये मेरी तरफ से, आज वो दोनों यहाँ होते ना तो ऐसे ही मारते तुझे इस बात पे। पर वो नहीं है ना। वो नहीं है तो क्या हुआ रूल? सच्चाई तो यही है कि तू उनकी बेटी है और मेरी बहन। फिर कोई फर्क नहीं पड़ता दादी, कुछ भी कहे कुछ भी सोचे। Thank you.
भगवान करे तुम दोनों बहनों में ऐसा ही प्यार बना रहे। बेटा अपनी दादी की बातों को दिल पे मत लेना, तुम तो जानती हो उनका स्वभाव ही वैसा है। लेकिन मैं तुम्हें एक बात कहूं, तुमने आज उन लड़के वालों के साथ में जो कुछ भी किया ना, बिल्कुल सही किया। नहीं दादू, इसने जो भी किया बिल्कुल सही नहीं किया। हाँ हाँ बिल्कुल सही नहीं किया, इसे तो ना उन लोगों को जूते मार के बाहर भगाना चाहिए था। बेटा मुझे हमेशा तुम में रुचिता ही नजर आती है, उसी की तरह शांत समझदार और सहनशील है तुम। और ये सारे गुण बताते हैं कि तू रुचिता की ही बेटी है। और मैं दादू? तू किसी नटखट बंदर की। वेरी गुड, आप लोग ना ऐसे ही मजाक बनाते रहो मेरा। फिर ये चॉकलेट मफिन की जगह ना मोमबत्ती मफिन खाना। अब ये सब छोड़ो, बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। अच्छा हाँ, चलो चलो चलो। अरे ये एक मिनट। हाँ हम दोनों हमेशा साथ रहे। और दादी मुझे दिल से अपना ले। हैप्पी बर्थडे। देखिए मन सुंदर सोमवार से रविवार रात 8:30 बजे दंगल प्ले ऐप पर।